आप जानना चाहते हैं कि भला करीना धोनी कतरीना डेमोक्रेसी के चैप्टर में कहां से आ गए? हाउ ऑन अर्थ डिड दैट हैपन? डोंट वरी, आपको सब पता चल जाएगा। हाँ, हमारे पढ़ने का तरीका कुछ और है। स्वागत है एड सिंह पर। वेलकम वेलकम वेलकम, वी आर एजुकेशनल एंटरटेनमेंट। क्या चैप्टर बनाया है? इट टेक अस टू पोलैंड, चिली, घाना, बर्मा, इराक एंड द यूएन। तो विल मेक सिक्स हाउसेस एंड रिमेंबर दिस लाइक अ बॉस। आई कैन नॉट पॉसिबली पुट एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सब कुछ करते करते डिफिकल्ट हो जाएगा। तो विल फोकस एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। चिली, फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो आपने देखा कि चिली में मिलिट्री ने डेमोक्रेसी को निकाल दिया है। एक इंपॉर्टेंट नाम, सैल्वाडोर अलेंदे, उस टाइम के डेमोक्रेटिक लीडर। नाउ हाउ डू यू रिमेंबर हिज नेम? सैल्वाडोर, सैल्वाडोर एक बहुत ही फेमस पेंटर का नाम था, आर्टिस्ट भी थे। उनकी मूछें देखी हैं? अब इन मूछों के अंदर अंडे डाल दो। सैल्वाडोर ऑल अंडे। बट याद रखना, उनका एक्चुअल नाम सैल्वाडोर अलेंदे है। सितंबर 11 तो वैसे भी बड़ा फेमस दिन है, पर 1973 याद है वो मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जब लक्ष्मण आहूजा के ऊपर इतना गुस्सा हो जाते हैं? वो भी 73 पर खेल रहे थे। इसलिए गुस्से में याद रखना सितंबर 11, 1973, जब मिलिट्री कूप ने डेमोक्रेसी को चिली से निकाल दिया। कूप नहीं, कू, पी साइलेंट है। ऑगस्टो पिनोचेट, मिलिट्री डिक्टेटर, इस नाम के साथ मजा आ सकता है। ऑगस्ट कम्स बिफोर सितंबर, सो ऑगस्टो। और पिनोकियो का नाक तो हमेशा लंबा होता है जब भी वो चीटिंग करता है, तो ऑगस्टो पिनोचेट। पिनोचेट नहीं, पिनोशे। हाय रब्बा। नाउ यू टेल मी हाउ टू रिमेंबर मिशेल बैचलेट। लेट्स मूव टू पोलैंड, कम्युनिस्ट कंट्री, स्ट्रिक्ट प्लेस। आपको याद रखना है 14th August 1980। सुनिधि चौहान का भी बर्थडे इस दिन पड़ता है। उन्होंने गाया है, मैं हूँ शीला, शीला इन लेनन जीन, प्रोटेस्टिंग एट अ शिपयार्ड इन 1980। मैं हूँ शीला, शीला इन लेनन जीन, protesting at a shipyard in 1988। जी डांस्क, जी डांस्क, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड जी डांस्क, वेरी गुड। जी डी ए एन एस के, उस जगह का नाम जहां से प्रोटेस्टिंग चालू हुई 14th अगस्त 1980 को। देखा, कतरीना कैफ आपके चैप्टर में आ गई ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट साल इस चैप्टर में कनेक्शंस हैं। 1988 में चिली में रेफरेंडम हुआ, 1989 में पोलैंड में इलेक्शन हुआ, और 1990 में जहां पोलैंड को डेमोक्रेसी मिली, उसी टाइम बर्मा को नहीं मिली। और तो और 91 में सोवियत यूनियन, एक महान कम्युनिस्ट कंट्री, टूट गई। थोड़ा पीछे जाते हैं, 1776, अमेरिकन इंडिपेंडेंस इस साल में हुआ था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसे याद कैसे रखें? 17 looks like a ramp, जिस पर एक मोटरसाइकिल ऊपर की तरफ छलांग मारता है, और अगर डायल पैड पे देखें तो ऊपर की तरफ 7 से 6 जाएं तो 1776 में अमेरिकन इंडिपेंडेंस हुआ था, और अगर 17 के बाद 87 कर दो तो वो बन गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, 17 के बाद 89 कर दो तो वो बन गया फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी जाओ फ्रेंच रेवोल्यूशन की वीडियो देखो। 1893, न्यूजीलैंड में पहली बार यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज डिक्लेयर हुआ था, जिसका मतलब है कि 18 साल की उम्र से ऊपर कोई भी वोट कर सकता है। 18 वैसे भी 1893 के अंदर है, वो 18 प्लस, और अगर 93 याद रखना है तो 933 की तरफ देखो, कैसे 9 के पीछे जा रहा है, बोल रहा है प्लीज 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 यार, प्लीज गिव मी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, प्लीज प्लीज। वर्ल्ड वॉर टू 1945 में होती है, उसके दो साल बाद इंडिया की इंडिपेंडेंस 1947 में, इसके 10 साल बाद घाना में इंडिपेंडेंस 1957, मगर 66 में मिलिट्री डेमोक्रेसी को निकाल देती है। 66 की तरफ देखो, काफी डेविलिश नंबर है ना, शैतान का नंबर 66। घाना, घाना से मुझे एक गाना याद आता है, और अगर गाना याद करूं तो करीना कपूर का गाना आता है। थैंक यू बाबा जी। क्योंकि करीना कपूर और क्वेम नखरुमा का जन्मदिन सेम,
21st September. ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है याद करने के लिए, तो इसलिए के से करीना, के से क्वेम और उनके एंडिंग में MAH आता है, जिससे मुझे महेंद्र सिंह धोनी की याद आती है। माही, करीना कपूर, महेंद्र सिंह धोनी, क्वेम नकरुमा। यूट्यूब में मैंने चेक किया, उनका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, क्वामे नकरुमा। हाय। नाउ बर्मा या म्यांमार गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948, इंडिया के एक साल बाद, बट इन 1962 इट हैड टू गिव इट अप टू द मिलिट्री। सी द पिक्चर, मैंने टैंक्स के ऊपर 1962 लिखा है, जिसका मतलब ये है कि 1962 में मिलिट्री ने इंडिपेंडेंस खत्म कर दी बर्मा की। अब यूएन की बारी। यूएन में 5 कंट्रीज है जिनके पास असली पावर है। आपने तस्वीर देखी ही होगी, मगर आप याद कैसे करोगे? यूएफसी देखा आपने? आर यू यूएफसी? आर से रशिया, यू से यूनाइटेड स्टेट्स, यू से यूके, एफ से फ्रांस, सी से चाइना। आर यू यूएफसी? और अगर पैसों की बात करें तो जासा नहीं, पैसों की सजा, SAJA। SA सऊदी अरेबिया, JA जापान। आर यू यूएफसी सजा? अरे वाह, आर यू यूएफसी सजा? यूनाइटेड नेशंस की सबसे ताकतवर कंट्रीज। इराक में सोशलिस्ट बाथ पार्टी, बाथ पार्टी, नो नो टेरर अटैक प्लीज, जिन्होंने 1968 में कब्जा कर लिया था इराक के ऊपर, जो 66 के 2 साल बाद हुआ, और सदाम हुसैन को निकाला गया पावर से 2003 में। इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप सारी बातें जो आपने आज यहाँ सीखी आपके एग्जाम तक रहे और आपको अच्छे अच्छे नंबर्स मिले। इस वीडियो को बनाते बनाते बहुत टाइम जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे पेटीएम कोड पर 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 1 रुपया भी भेजेंगे तो हमारी काफ़ी अच्छी सपोर्ट होगी। सिर्फ डाउनलोड कीजिए पेटीएम, स्कैन और सेंड। दिखाइए ये अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को दिखाइए, फैमिली को दिखाइए और खास करके टीचर्स को दिखाइए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एड सिंह।